स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि जनपद सीओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता रहे। कार्यशाला तीनों निकाय करेरा नरवर मगरोनी को मिलाकर की गई। नगर में जनपद पंचायत कार्यालय के सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जनपद पंचायत सीओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता, जिला परियोजना अधिकारी महावीर प्रसाद जैन, करेरा सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव, नगर पंचायत सीएमओ मगरोनी, पंचायत सीएमओ करेरा इंजीनियर अभय प्रताप सिंह, नरवर ईजी राजेंद्र प्रसाद जैन और सफाई दारोगा सुभाष नरवारे सहित सफाई कर्मचारी मौजूद थे। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में महावीर प्रसाद जैन ने बताया कि शिवपुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छानुसार शिवपुरी कलेक्टर के निर्देशन में जिले की सभी नगर पंचायतों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत सभी निकायों को स्वच्छ और साफ बनाना है। गली मोहल्ले सड़कों को साफ स्वच्छ रखना है। सभी दुकानदार ठेले वालों सब्जी वालों को चेतावनी देना है, सभी लोग डस्टबिन रखें, अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें। अगर किसी ने रोड पर कचरा डाला तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी कचरा गाड़ी घूमती है वो कचरा गाड़ी सभी घर के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाकर कचरा मांगे, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि कचरा गाड़ी कितने बजे आती है, सभी लोग उस पर टाइम पर कचरा डाल सकें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी को जागृत करें कि सभी लोग प्लास्टिक पॉलिथीन का कम से कम उपयोग करें। जब घर से सामान लेने निकलें तो थैला अपने साथ में रखें, जिससे प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कम से कम हो सके। साथ ही ऐसे एक निकाय को 7500 अंक दिए गए कि उन्हें कैसे अंक हासिल करना है, इनकी टिप्स कार्यशाला में दी गई। बताया गया कि अगर आपने सही काम नहीं किया तो आपके अंक भी काटे जाएंगे। 2022 स्वच्छ अभियान का जो आपने क्या बताया ये 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार का एक सफाई अभियान कार्यक्रम चला जा रहा है। हमारे ज़िले में कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम प्रत्येक निकाय में, सीपरी जिले की 10 निकाय और एक नगर पालिका में, सारे कर्मचारियों को, सारे वरिष्ठ नागरिकों को, सारे युवाओं को और सभी बच्चों को भी हम इस स्वच्छता अभियान से कार्यक्रम में जोड़ने के लिए हमारे सारे साथी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो निकायों द्वारा हमारे निकाय क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर जनप्रतिनिधियों को बनाया गया है, उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे निकाय को हम कैसे सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकते हैं, गलियों की नालियों की सफाई कैसे रख सकते हैं, बीमारियों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता कैसे पैदा कर सकते हैं। हमें इस अभियान में, भारत सरकार के इस अभियान में या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए गए संदेश के इस अभियान में, हमको उस बच्चे को भी इस अभियान में जोड़ना है जो चिप्स खाकर थैली को सड़क पर फेंकता है, वो सड़क पर न फेंकते हुए डस्टबिन में डाले और वो डस्टबिन का उपयोग करें और वो स्वच्छता के प्रति जुड़े कि हम कैसे स्वच्छ रह सकते हैं और किस प्रकार हम करते हैं। 90% बीमारियां इस अस्वच्छता के कारण फैलती हैं। अगर हमें स्वच्छ रहेंगे, आसपास पड़ोस स्वच्छ रहेगा, हमारा घर स्वच्छ रहेगा, पड़ोस स्वच्छ रहेगा, वार्ड स्वच्छ रहेगा, निकाय स्वच्छ रहेगा, तो निकाय स्तर से भी 90% बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं और एक हम अच्छा निकाय को एक उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में इसके बहुत सारे टूल्स हैं, उस टूल के संबंध में हमको कैसे उपयोग करना है, कैसे हमको संवेदना पैसा करना है, कैसे नवाचार करना है और कौन सी विधियां हैं जिनसे कि हमारे नगर को हम अच्छा बना सकते हैं, इस संबंध में आज एक छोटी सी कार्यशाला और सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें हमारे उपयंत्री सभी तीनों निकाय के सब्जीनियर, तीनों निकाय के हमारे तीन निकायों की स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की कार्यशाला जनपद कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि हमारे श्री गुप्ता जी सीओ साहब थे और शिवपुरी से परियोजना अधिकारी श्री महावीर प्रसाद जैन विशेष रूप से कलेक्टर साहब के निर्देशन में यहाँ इस कार्यशाला को संबोधित करने के लिए पधारे। इसमें करेरा, मगरौनी, नरवर तीनों नगरीय निकायों के एम्बेसडर, सब इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी और इससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति इस कार्यशाला में आज उपस्थित हुए और शासन के द्वारा जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 7,500 के जो अंक दिए गए हैं, जिनमें तीन कंपोनेंट हैं,
उनके अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस संबंध में विस्तृत रूप से श्री जैन साहब ने सभी निकायों को टिप्स बताए, उसके तरीके बताए। और निश्चित रूप से आज की जो कार्यशाला सभी निकायों के लिए लाभान्वित होगी। धन्यवाद।